नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साम्या। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ फटाफट। गुजरात के द्वारका में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची का रेस्क्यू अस्पताल में इलाज जारी। अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक, शाह नड्डा रहेंगे मौजूद। जापान में आए तेज भूकंप से अब तक 4 लोगों की मौत, सुनामी का भी अलर्ट। प्रधानमंत्री के तमिलनाडु दौरे से पहले डीएमके के मुखपत्र ने केंद्र सरकार की आलोचना की। निलंबित WFI के अध्यक्ष संजय सिंह बोले, सरकार द्वारा गठित एडहॉक कमेटी हमें स्वीकार नहीं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का साथ छोड़ेंगी बहन शर्मिला, 4 जनवरी को कांग्रेस में होगी शामिल। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में अहम समीक्षा बैठक कर रहे हैं अमित शाह। लखनऊ में बीजेपी पूर्व संगठन मंत्री और वरिष्ठ प्रचारक हृदयनाथ सिंह का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे। ओडिशा के कटक में बस और ट्रक की भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, 40 घायल। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी देश से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24 न्यूज।